नमस्कार, रोली देसी खजाना में आप सभी का स्वागत। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का इन एयर फ्रायर। लेस ऑयल में कैसे बनता है, आइए उसे बनाना शुरू करते हैं। ये सारा इंग्रेडिएंट है, चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं नींबू 4 टेबल स्पून डाल दी हूँ। और ये देखिए, ये सारा हम लोग का जो मसाला है, 1 टीस्पून काश्मीर रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और ये ली हूँ मतलब 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, ये ली हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये सारे। और 1 टीस्पून में ऑयल ली, नमक स्वाद अनुसार आपको लेना है। वन टेबल स्पून में ली हूँ लेमन जूस, नींबू का रस। आजकल क्योंकि सब लेस ऑयल ही पसंद करते हैं, आज बनाएंगे पूरा लेस ऑयल में कैसे बनता है पनीर टिक्का। इसमें देखिए, पनीर में 1/2 किलो ली हूँ, जैसे ही क्यूब साइज हो। एक टमाटर ली हूँ, प्याज एक ही प्याज ली हूँ, और एक कैप्सिकम ली हूँ। अच्छी तरह से मिला के हम लोग इसको 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। मिला दी हूँ जो हम लोग का जो मसाला लिए थे, 15 मिनट्स हो गया है जो हम लोग पनीर रखे थे मैरिनेट करके। अभी इसको ये मैं टूथपिक ली हूँ, इसमें एक ही पनीर, प्याज और एक टमाटर देके आपको इसे ही इसी तरह आपको सब इसे बना देना है। इसे बना देना है, देखिए ये सारा ऐसे ही टूटती है, आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद अभी एयर फ्रायर में उसको बनाएंगे पनीर। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये एयर फ्रायर, इसी में आज हम बनाएंगे। उसके अंदर एक जाली रहती है, पहले जाली में थोड़ा सा ब्रश है, थोड़ा सा भी तेल आपको लगाना। बहुत ही लेस ऑयल में होता है, आपका जो भी डीप फ्राई करना है, हम लोग डीप फ्राई में मतलब उसको फ्राई करते हैं ऑयल में, ये सारा चीज इसी में हो जाता है। बहुत सारे डिमांड किए थे कि आप एयर फ्रायर में कुछ रेसिपी दिखाइए, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। देखिए आपको इसे ही सेट कर देना है। इसमें आपको कोई कढ़ाई बैठने का जरूरत नहीं, कि तावा में भी कोई कोई पनीर टिक्का करते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आराम से बना सकते हैं। आपको सेट करना है,
सबको मतलब हेल्दी खाना पसंद है, लेस ऑयल, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभी हम इतना ही देंगे। टाइमिंग अभी 10 मिनट से टाइमिंग देंगे, 10 मिनट देंगे। देखिए ये स्टार्ट हो गई, 10 मिनट के बाद हम लोग फिर से उसको बंद हो जाने के बाद उसको निकाल के हम लोग फिर उसका मतलब पलट देंगे, फिर 10 मिनट देंगे। ये रेसिपी के लिए सिर्फ 20 मिनट की जरूरत है। उसको क्या है अभी उसको ऐसे हुआ है, उसको अभी ऐसे हाथ से पकड़ते फिर अभी 10 मिनट के लिए उसको बिठा देंगे। सारा में कलर दी हूँ, अभी उसको थोड़ा सा मसाला था में थोड़ा थोड़ा जस्ट, तो हल्का सा ही ब्रश में आप ऑयल थोड़ा लगा दीजिए। ओके, अभी फिर उसको हम लोग 10 मिनट के लिए बिठा देंगे। स्टार्ट हो गया, उसके बाद देखिए हमारा पनीर टिक्का पूरा रेडी हो जाएगा आपको देखने के लिए। मिनट हो गया है, मतलब टोटल 20 मिनट भी, देखिए पूरा रेडी हो गया है पनीर टिक्का। आइए उसे रेडी हो गया, देखिए ये पनीर टिक्का पूरा रेडी हो गया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आपने देखे कितना मतलब पूरा लेस ऑयल में कैसे बना है। अगर एयर फ्रायर में आपको और भी कोई रेसिपी की ज़रूरत है आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपको बना के दिखा दूँगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।